हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कुक विद कोमल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मटन करी की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है और ये इतना टेस्टी बना है कि बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए, 1 kg हमने मटन लिया है, 1 kg मटन हम बनाएंगे और ये फ्रेश मटन ही लिया है और इसको हम अच्छे से सबसे पहले साफ पानी से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक कट कर लिया है इनको। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है थोड़ा दरदरा सा। और ये मैंने हरी मिर्च ली है 4-5, इसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ मैंने 20-30 लहसुन की कलियाँ का पेस्ट बना लिया है। अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ना तो कुकर में बना रही हूँ ना ही कढ़ाई में बना रही हूँ, हम ये इस तरह के भिगोने में बना रहे हैं। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल का डालेंगे। तो ऑयल आप इससे कम रख सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ऑयल नहीं लेना है। 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल ले लिया है, 125 ml के करीब ये ऑयल है, इतना ही हमें ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा आपको ऑयल नहीं लेना है, इससे कम भले ही कर सकते हो। और ऑयल को, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम मटन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हमें मटन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको साफ पानी से अच्छे से हमें 2-3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर करना है, इसमें बहुत कचरा रहता है। तो अच्छे से हमें मटन को साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से मटन हमारा साफ़ हो चुका है, कलर भी देखिए इसका चेंज हो गया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो ऑयल को देख लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा प्याज डाल देंगे। इसमें मैं कोई खड़ा मसाला नहीं ले रही हूँ, सिर्फ सिंपल हमने प्याज डाला है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट कर लिए थे, वो इसमें डाल दिए हैं। ज़्यादा हमने प्याज नहीं लिया इसमें और ना ही हमने कोई जीरा या खड़ा मसाला लिया है, सीधा हमने प्याज डाला है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गैस को हमें हाई फ्लेम में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही मसाले की कम सामग्री हमने इसमें यूज की है। तो देखिए, प्याज हमारा 50% फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम इस टाइम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। और इसको भी अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप बनाते हो मटन तो कुकर से भी ज़्यादा ही टेस्टी मटन बनेगा। इसमें थोड़ा सा पकते समय टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा। तो इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्च को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा है, 2 मिनट लगे हैं, सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हमें जो मटन साफ करके रखा था वो इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। मेरी हर रेसिपी सिंपल रहती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा चैनल पर जाके। तो ये देखिए, मटन हमने सारा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही कम सामग्री हमने मसाले इसमें डाले हैं, लेकिन आप जिस इस तरीके से अगर बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताना कि आपकी मटन करी कैसी बनी। तो ये देखिए, अच्छे से हमें इसको चला देना, अच्छे से मिक्स करना, बस यही इसको अच्छे से करना है। तो मैं इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स होना चाहिए, बस हमें यही करना है। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ढक्कन लगा के 4-5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इसमें हमने पानी कुछ भी नहीं डाला है और ये देखिए, 4-5 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है और मटन ने पानी भी छोड़ दिया है। और ये देखिए, एकदम सिकुड़ गया है, ये देखिए, और अच्छे से पानी भी छोड़ दिया है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देख पा रही हूँ, पानी आपको दिख ही रहा होगा,
ये थोड़ा भाप है इसके कारण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो अभी हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। 5 मिनट मटन ऑयल में फ्राई करने के बाद हमें मसाला ऐड करना। तो मैंने 1.5 छोटा चम्मच ये नमक लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और ये लहसुन का पेस्ट जो मैंने बताया था 20-30 कलियों का हमने पेस्ट बनाया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। लेकिन इसको कैसे बनाना है आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो इसको मसाले को हमें अच्छे से चला देना है। इस टाइम आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मटन ने भी पानी छोड़ दिया तो मसाला हमारा कोई जलने का डर नहीं है और अच्छे से ये पक जाएगा। तो पहले मैं अच्छे से इसको चला देती हूँ। गैस को हमें हाई फ्लेम ही रखना है। और ये देखिए, मसाला डालते ही मटन का कलर एकदम चेंज हो गया है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो मसाले को हम 2 मिनट थोड़ा पका लेते हैं। तो ऐसे इसको 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट बाद में हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो मैंने चॉपर से दरदरा इसको चला लिया, चॉपर कर लिया था। आप दरदरा चॉप भी कर सकते हो, या दरदरा इसको मिक्सी जार में भी रख सकते हो, या बारीक कट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ चॉपर से थोड़ा दरदरा चॉप किया है। और ये देखिए, अब देख पा रहे होंगे मसाला हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से है, ना ज़्यादा ऑयल डाला है हमने। और इसको अच्छे से ढक देंगे और 5 मिनट के करीब इसको अच्छे से पकाएंगे। पानी नहीं डालना है इस टाइम भी आपको। 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। आपको मैं थोड़ा चला के दिखा देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कुकर से ज़्यादा, लेकिन क्या है कि कुकर से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। एक बार जब आप इस भिगोने में बनाओगे ऐसे खुले वाले में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी मटन बनेगा। तो इसको हमने चला दिया है, ये देखिए। इसको 5-6 मिनट हमने टमाटर डालने के बाद अच्छे से मसाले को पका लिया है, और अच्छे से ये पक चुका है। और आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इसमें कलर आया है, इसमें ऑयल भी दिखने लगा है। तो मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अभी हम क्या करना है, इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आपको ठंडा नहीं लेना है, गर्म पानी लेना है। तो मैंने साइड में गर्म कर लिया था, और ये पानी इसमें डाल देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना डालें, लेकिन ये कुकर से ज़्यादा इसमें पानी डालता है। कुकर में हम पानी कम डालते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही पक जाता है जल्दी, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। पानी अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो, पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल सकते हो। और ये देखिए 15 मिनट हमने इसको पका लिया है। तो थोड़ा सा बीच में हमें इसको चला देना है। तो ये देखिए एकदम कलर चेंज हो गया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आप 1 kg मटन में 125 ml ऑयल डालें, इससे ज़्यादा आपको ऑयल नहीं डालना है। और ये मैंने मीट मसाला इसमें डाल दिया है लास्ट में, और इसको अच्छे से चला देंगे। 15 मिनट आप हमने मसाला अच्छे से पका लिया। टोटल हमने 25 मिनट इसको मटन को पकाया है। उसके बाद हमने मीट मसाला डाल दिया है, और अभी इसको थोड़ा सा 1 मिनट चला के इसको बंद कर देंगे। मीट मसाला डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ 1 मिनट हमने इसको चलाया है। तो टोटल हमने 25-26 मिनट इसको पका लिया है। अच्छे से बन चुका है मटन। अभी मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से गल चुका है, ज़्यादा गला हुआ मटन भी टेस्टी नहीं लगता। और ये देखिए, आप देखने से आइडिया लगा सकते हो कि मटन हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, इसमें ऑयल भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। करी आप देख पा रहे हो कितना टेस्टी ये लग रहा है देखने में। तो सारा मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, करी बहुत ही ज़्यादा मस्त बनी है। तो मटन हमारा बन के रेडी हो चुका है। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरी मटन की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना।
और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।